नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये क्या हो गया, तो मैं आज आपके सामने बहुत सारे मुद्दों को मैं एक तरफ कर दिया हूं। आज मैं अपना मुद्दा लेकर के आया हूं कि हाँ, प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन ने वीरेश सिंह को पिछवाड़े में लात मार करके अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। और कहाँ कहाँ के, तो वो आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कई जगह के हैं। अब ऑल इंडिया भी था उसमें, कई जगह के तो आप नाम नहीं ले सकते हो। लेकिन उन लोगों ने अपने जो उनका पर्सनल ग्रुप होता है, पहले उन्होंने मेरे को ऐड किया और इसके बाद उन्होंने मेरे को दो तीन दिन पहले जो है तो पिछवाड़े में लात मार करके मेरे को जो है तो अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। हाँ, सही बोल रहा हूँ, पिछवाड़े पे लात मारा है ना, निकाल दिया उन्होंने। आरोप ये लगे कि वीरेश सिंह अब जो है तो आईटीआई के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, लड़कों को भड़का रहे हैं, लड़कों को आईटीआई लगाना, पीजी पोर्टल पे शिकायत करना, मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करना हो रहा है, तो इसके कारण जो है तो वीरेश सिंह का विरोध करिए। दूसरी बात यह है कि लड़कों का काम हो रहा है तो जो लड़के हैं वो आईटीआई के पास जाते थे, तो अब वो आईटीआई के पास नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट वीरेश के पास जा रहे हैं। तो इसमें आईटीआई की जो एक इमेज है ना, वो ख़राब हो रही थी कि चूंकि लड़के क्या है कि वो वीरेश सिंह के पास जा रहे थे, आईटीआई टॉक शो पे जा रहा था, कोई आईटीआई पे जा ही नहीं रहा था, तो एक जो जरिया था कमाई का, तो उनका वो कमाई का जरिया बंद हो गया था। ठीक है, दूसरा क्या था कि बहुत सारे जो कुछ आईटीआई वाले हैं जो मेरे से जुड़े थे, जो बात करते थे, तो वो कभी एसोसिएशन के सहारे में रहते थे बेचारे, तो एसोसिएशन चलता था, पैसे के दम पे चलता था। अब जब से मैं आया, मेरे ऊपर विश्वास करने लगे, तो कोई एसोसिएशन का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो भी होती थी, जिनकी माने पैसे की उगाही होती थी, काम करके दिल्ली जाते थे, कोई भोपाल आता था, कोई उत्तर प्रदेश जाता था, कोई पटना जाता था, कोई लखनऊ जाता था, कोई जयपुर जाता था, कोई उड़ीसा जाता था, जो जहाँ भी जाते होंगे मतलब माने ये लोग काम के लिए, तो उनका जो है तो धंधा डाउन हो गया था एक्चुअली में। जब धंधा डाउन हो गया तो उन लोगों ने बोला कि अरे यार, अब कोई आईटीआई वाला भी नहीं पूछ रहा है, कोई आईटीआई स्टूडेंट भी नहीं पूछ रहा है, अब जो सारे काम है वो बड़े अच्छे से होते चले जा रहे हैं, प्रॉपर एग्जाम हो रहा है, प्रॉपर जो है तो रिजल्ट आ रहे हैं, अफिलेशन में भी ये हो रहा है, एग्जाम में भी हो रहा है, रिजल्ट में भी हो रहा है, एडमिशन में भी हो रहा है। तो उनके अस्तित्व पे जब खतरा मंडराया, तो उन्होंने क्या काम किया कि अपना गुट को तैयार किया और फिर मेरे पिछवाड़े पे लात मार करके निकाल दिया उन्होंने। अच्छा किया उन्होंने लात मार करके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना डर बन गया है या फिर ये विरोध के पीछे कुछ कारण है, या तो आईटीआई टॉक शो से डरे या फिर कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ है। दो ही कारण है, तीसरा कारण तो है नहीं कि मैं किसी की प्रॉपर्टी या किसी का रिश्तेदार हूं तो मैंने ज़मीन या जायदाद या कुछ कर लिया है। मेरा काम था, मैं बता दूं कि 28 साल का मेरा करियर था, मेरा काम था कि 2019 में मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं 2 साल तक बिस्तर में पड़ा रहा और ना मेरे को उस समय पर कोई काम आया, ना मेरा पैसा भी मेरा काम में नहीं आया, मेरा परिवार भी, मेरा कुछ भी नहीं काम में आया है ना। उस समय पर सिर्फ काम में आया ईश्वर, जिन्होंने मेरे को शक्ति दिया और मेरे को दूसरी ज़िंदगी दिए। सब जानते हैं कि मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 टाँके लगे हुए हैं, ये खोपड़ी इधर थी, ये इधर थी, और मेरे को डायबिटीज़ जो है तो 450 थी, तो लगभग मैं मर ही गया था। ठीक है ना, डॉक्टर ने तो घोषित कर दिया था और उस समय पर मैंने देख भी लिया था कि हमको यमराज भी दिख गए थे कि बस हो गया, अब 2-4-5 दिन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन एक शक्ति थी कहीं ना कहीं मेरे अंदर, एक कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और कहीं ना कहीं मेरा एक ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास मुझको जो है तो जिंदा कर रही थी। और 2 साल लगे मेरे को धीरे 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 खड़े होने में। फिर कुछ आईटीआई के संचालक लोग, कुछ जो है तो डीजीटी के अधिकारी, कुछ स्टेट के कुछ ऐसे हमारे परम मित्र थे जो 28 साल का करियर है मेरा आईटीआई का, तो उन्होंने बोला कि सर आप एक काम करिए ना सर, कि ये कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी ये सब कुछ आप छोड़िए, अब उम्र भी हो गई है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ आईटीआई के लिए मुद्दे उठाइए, कुछ ये करिए सरकार से, तो क्यों नहीं एक चैनल बना लीजिए, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज है। तो मैंने कहा हाँ भाई चलो। तो हंसी खुशी में ऐसे करके
इस चैनल को खोलने के पीछे एक आदमी का बड़ा हाथ है। उस आदमी को मैं आज भी बहुत इज्जत की नज़र से देखता हूँ, बट वो आदमी चाहता है कि कभी उसका नाम सामने ना आए। लेकिन थैंक यू, उनके कहने पे मैंने सारी बिजनेस छोड़ दिया। लगा कि खाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ईश्वर के ऊपर भरोसा किया और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बोला नहीं, आप तो आगे बढ़ते चले हो धीरे 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 धीरे। और हमको डीजीटी के कई अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला, स्टेट के अधिकारियों का सहयोग मिला, बहुत सारे धीरे धीरे आईटीआई का सहयोग मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब ठीक है, चीज़ों को करते चले जाओ, और करते चला जा गया, कारवां बढ़ता गया। स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और उनका काम भी हुआ। लेकिन इस बीच में मैं नहीं जानता था कि कहीं ना कहीं पर एक ऐसी चीज़ हमारे विरुद्ध निगेटिव जन्म ले रही थी, जिसको मैं नहीं समझ पाया कि ये धीरे 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 करके बढ़ करके जो है तो मेरे को दिक्कत खड़ी करेगी। जबकि अस्तित्व की लड़ाई में या क्रेडिट लेने में कभी भी आईटीआई टाक्सो ने नहीं कहा कि आईटीआई टाक्सो के कारण हुआ है। ये हमेशा आईटीआई टाक्सो के उस पर डीजीटी नहीं चल सकती है, स्टेट नहीं चल सकती है, गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। वो चलेंगे अपने ही बनाए रूल पे, अपने ही उस पे वो काम करेंगे। हाँ, आवाज़ आपकी जब उन तक जाती है तो वो उसमें सुधार करते हैं, उसको जो है तो मॉडिफाई करते हैं। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को अगर क्रेडिट मानते हैं आप लोग तो मैं मानता हूँ कि हाँ, इस चीज़ में मैंने क्रेडिट लिया है कि ये बच्चों की और आईटीआई की आवाज़ को मैंने उन तक पहुँचाया है। उन्होंने कई चीज़ों को मेरे माना है, अगर 10 बोले हैं तो उसमें 3-4-5 मेरी बातों को माना है, बाकी नहीं माना है, 100% तो नहीं माना है। इसलिए ये जो थोड़ा सा मैंने लड़कों के और आईटीआई के ऊपर जो विश्वास होता गया, वो मैं नहीं समझ रहा था कि एक ऐसे वर्ग को जो है तो जला रहा है और एक ऐसे वर्ग को जो है तो उत्तेजित कर रहा है कि वो हमारे खिलाफ हो जाए। आज ये मैं सब कुछ इसलिए बात कर रहा हूँ कि 3-4 पहले मेरे को रात में पहले भी बहुत धमकी भरे फ़ोन आते थे, और बिहार से भी आए, झारखंड से आए, उत्तर प्रदेश से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, कई और स्टेट से आए मेरे को। तो मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, छोड़ो यार, ये यूट्यूबर और आईटीआई वाले के बीच में मैं आ गया हूँ तो इन लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो परसों जब मेरे को फ़ोन आया तो बहुत वैसे लहजे पे आया फ़ोन। फिर मैंने जब इंक्वायरी करवाई तो मेरा दिल कांप गया। जब मैंने एसटीएफ को भी उस सब चीज़ों को देना चाहा है और वो सब कुछ करने चाहा, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का उसमें हाथ पाया गया कि जिनको मैं कल्पना कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरे को 3-4 से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। हमको मैंने कोई धमकी दे करके अगर ये कहे कि मार डालूँगा, तो आप ये समझिए कि हमको अगर ईश्वर ने कोई ताकत ने मेरे को अगर दूसरा जन्म दिया है, और अगर जन्म देने के बाद अगर मेरी मौत किसी ऐसे आदमी के हाथ में होती है तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा कि ईश्वर ने, हो सकता है कि भाई हमको उस समय पर इसीलिए जीवन दान दिया हो कि आपकी मौत किसी के हाथ पे लिखी है, तो वो डर बात नहीं है। लेकिन बीवी बच्चों के साथ में ये सब कुछ वाली जब बात आ जाती है तो फिर स्वाभिमान की बात आ जाती है ना। फिर जहाँ स्वाभिमान की आती है बात, तो फिर दिक्कत तो खड़ी होती है। अब भाई कुछ भी हो जाए, पृथ्वीराज सिंह चौहान का वंशज तो हुई, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। मैं गलत होते नहीं देख सकता हूँ कि स्टूडेंट के साथ में गलत हो रहा है या कुछ आईटीआई वाले के साथ में गलत हो रहा है। तो अगर मैं कोई शिकायत कर रहा हूँ, आईटीआई लगा रहा हूँ, तो उसके धमकी से मैं डर जाऊँ, ऐसा ना तो हमारे कभी पूर्वजों ने कभी किया और ना हमको मेरे माँ बाप ने सिखाया। जब मैं इस शो में आ रहा था तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा बहुत कठिन है डगर इसकी पनघट की, तुम थोड़ा गुस्से वाले आदमी हो, तुम सब ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। एक साल हो गए पिताजी को ख़त्म हो जाने पे, हमारे हमेशा कंपटीशन मेरे पिता से होता था। जब पिता से नहीं रहे तो हमने सोचा कि यार ये कंपटीशन ये सब कुछ क्या करना है। फिर वो मेरे दोस्त जिन्होंने ये शो खुलवाया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनके सपनों को ठीक करिए, है ना। तो फिर मैं उसमें लग गया और ईमानदारी से काम करने लगा और मैं 24 घंटे इन सब चीज़ों पे काम देने लगा। मतलब आपको लगता होगा कि एक शो बनाने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, एक शो बनाने में आपको 17-18 घंटे लग जाते हैं। यानी कभी आप बैठिए कि आपको न्यूज लेना, आईटीआई के बारे में बोलना, स्क्रिप्ट लिखना, फिर खुद ही जो है तो
एडिटिंग करना, फिर चेक करना, फिर उसको डालना, फिर जवाब देना, फिर फ़ोन पे भी बोलना, उस पर भी जवाब देना, मेल भी करना, कितना काम होता होगा। कई बार हमको डीजीटी के अधिकारियों ने भी बोला कि सर जो आप ये नंबर दे रहे हो तो कहीं आपके लिए ये गले का फांस ना बन जाए। तब हमने बोला कि यार क्या बनेगा, बच्चे ही तो फ़ोन करेंगे, आईटीआई वाले ही तो फ़ोन करेंगे, मैंने किसी का क्या बुआ बिगाड़ा। बोले नहीं सर, ये समझिए कभी न कभी आपके गले में फांस पड़ेगी। मैंने उसको मजाक में लिया, पर हाँ उनकी बातें आज सही हुई। कहते हैं कि बड़े लोगों की बात को मानना चाहिए। अब वो रिटायर हो गए जिन्होंने बोला था, तो फिर एक दिन मैंने उनसे अभी कल परसों बात की, हमने कहा सर सॉरी सर मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपने कहा था तो मैंने जो नंबर दे दिया तो दिक्कत। बोले बेटा ठीक है, तुम्हारा सोचना सही है, तुमने नंबर दिया और तुमको खुशी मिलती। तो मैंने कहा सर देखिए, लड़के अगर मेरे फ़ोन पे बात करके और व्हाट्सएप पे वो करके थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको जानकारी मिलती है, और किसी आईटीआई वाला जो चला रहा है, जो शिक्षा का मंदिर चला रहा है, वो गुरु है, बहुत बड़ा है, मैं उसके बराबर में नहीं हूँ, बट अगर वो मेरे से कुछ राय ले लेता है और मैं उसको सही बता देता हूँ रास्ता, तो मैं अपना धर्म समझता तो खुशी होती है। बोले यही खुशी के साथ में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि खुशी के साथ कई चीज़ें आती हैं। जैसे लक्ष्मी के साथ अगर लक्ष्मी आए तो कहते हैं कि धन दौलत आए, तो उसमें कुछ ऐब आते हैं, ऐसे खुशी के साथ में कुछ दुख भी आते हैं। पर अब चिंता मत करो तुम। तो मैंने सोचा कि नहीं सर, मैं अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं तो कहूँ, लड़कों से कहूँ, आईटीआई वाले से कहूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक शो बनाओ और शो बना करके डाल दो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से अपनी बात को रखिए। तो बस यही सच्चाई और ईमानदारी से रख रहा हूँ कि मैं कई लोगों के आंखों में खटक रहा हूँ। सवाल ये है कि आईटीआई लग रही है, शिकायतें हो रही हैं, तो कुछ गवर्नमेंट के भी अधिकारी मिले हुए हैं जो हमारे आईटीआई को, हमारी शिकायत को जो है तो पब्लिक ही कर दे रहे हैं, और उस पर कई आईटीआई वालों के जो फर्जी दलाल टाइप के आईटीआई वाले हैं, जो माफिया हैं, जो इस तरह से हैं, तो उनको दिक्कत खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आईटीआई डीजीटी पे भी बहुत ज़्यादा लगाया हूँ, है ना, लेकिन मेरे को वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई जितना मेरे को स्टेट से और इधर सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई। तो आज मैं सिर्फ कहूँ तो आप लोगों के लिए मैं इतने चीज़ें कहने आया था। घड़ी बार बार मैं जब ऐसे देखता हूँ ना, तो घड़ी देखता हूँ मैं और बाकी कुछ नहीं देखता हूँ। और एक मूर्ति लगी हुई है पापा की, पिताजी की, तो मैं उनको देखता हूँ। जब भी मेरा इधर आँख जाता है तो मैं अपने पिताजी की मूर्ति लगी है, मैं उनको देखता रहता हूँ कि वो मेरे को देख रहे हैं, या तो वो खुशी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, या मैं जैसा भी काम कर रहा हूँ ईमानदारी से कैसा काम कर रहा हूँ तो मेरे से गलती ना हो। और मैं जब इस कुर्सी पे बैठूं और इस पे जब मैं संचालन करूं, एंकरिंग करूं, तो मेरे से कोई गलती ना हो, और भगवान करे मैं कोई ऐसी चीज़ें लोभ मोह और उसमें ना फंसूं। इसलिए सामने जो मेरे को जन्म दिया है, मेरा निर्माता है, मेरा क्रिएटर है, उसकी फ़ोटो जस्ट मेरे कैमरे के पीछे ऊपर लगी है। ऊपर दो चीज़ें लगी हैं, कहिएगा तो कभी दिखा दूंगा, कि एक बड़ी सी टीवी भी लगी है, एक कैमरे का स्क्रीन लगा हुआ है, एक घड़ी लगी हुई है और पापा की फ़ोटो लगी हुई है, है ना। उनको देख करके बात करता हूँ मैं, जितना गुस्सा है उन्हीं के ऊपर निकालता हूँ कि आपका बेटा क्या कर रहा। तो ये दर्द था कि अच्छी बात है कि अगर हम, मैं समझता हूँ कि मेरे को आईटीआई वालों ने इस लायक समझा कि मेरे को ग्रुप में ऐड कराया, फिर मेरे को ग्रुप से बाहर निकाले, और विरोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है मैं आपको बताऊँ। और सबसे ज़्यादा विरोध के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग विरोध करते हो, बहुत बढ़िया करिए भाई साहब, फैमिली तक मत आइए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, फैमिली पर मत आइए, किसी चीज़ के लिए मजबूर मत करिए किसी को। दूसरी बात क्या है ना कि लड़कों से फ़ोन करवाइए मत, लड़कों से कमेंट ऐसा मत करवाइए। ये छोटे छोटे लड़के हैं, कहीं कुछ हो गया मान के चलिए इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे मैंने पाया कि जब मैंने जांच करवाया तो पाया कि उस आईडी में वो लड़का है, पता चला 17 साल 18 साल का लड़का है। जब मैंने बात किया उससे, उसका नंबर भी निकाल लिया, जब बात किया तो पता चला कि अरे सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को तो इसने बोला था, इसने बोला था। कई यूट्यूबरों का भी नाम आया, कई आईटीआई वालों का भी नाम आया। दुखी इसलिए हुआ कि आप हथियार किसी को मत बनाइए, है ना, आप कमज़ोर हैं, आप बुद्धिजील हैं, आप सामने बात करिए ना, मैं तो नंबर दिया हूँ, खुद फ़ोन लगा करके करिए ना, मज़ा आता है जब दोनों एक दूसरे को से बात करेंगे। तो
पीठ पीछे बार मत करिए। आज का ये कार्यक्रम था कि आप पीठ पीछे बार प्लीज मत करिए, जो भी करना है तो सामने से करिए। एक राजपूत हूँ, राजपूत की तरह मैं मरना चाहता हूँ, कायर की तरह नहीं, है ना। कम से कम मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पे जिसने छुरा भोंका है उसका चेहरा कैसे है। सामने से मारोगे साहब तो मैं स्वीकारूँगा कि हाँ ये आदमी ने मारा है। तो यही आज की चीज़ें थी और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ ITI की जीत हुई है और वीरेश सिंह को, अब वीरेश सिंह के चैनल को अब कितना सपोर्ट मिलता है कितना नहीं मिलता है तो भविष्य के ऊपर है कि लड़के क्या लिखते हैं मेरे समर्थन में या कोई मेरे समर्थन में क्या आता है, कितने आते हैं मैं नहीं जानता हूँ। कि क्या आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या लोग बस अपने निजी स्वार्थ के लिए मुझसे जुड़े थे या वास्तव में मेरे से प्रेम करते थे, वो सब सारी चीज़ें आज देखी जाएगी, पता चल जाएगी। चलिए, आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे। और हाँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि प्राइवेट ITI वालों ने ITI टॉक शो के चीफ एडिटर वीरेश सिंह के पिछवाड़े पे लात मार करके अलग किया और उनको जो है तो ये बोला गया कि भैया ITI वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं और लड़के हैं उनके शो को ना देखें। इस पर उनको बहुत बहुत बधाई, इस पर उनको जीत हुई है और ITI टॉक शो के चैनल और चीफ एडिटर वीरेश सिंह की बहुत ज़बरदस्त हार हुई है। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।